भगवान गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में आपको घुंघराले बाल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गौतम बुद्ध के सिर पर जो हमें दिखाई देते हैं वो उनके बाल नहीं बल्कि ढेर सारे स्नेल यानी घोगा है। पुरानी कहानियों के अनुसार एक बार गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मग्न थे। उसी दौरान गर्मी का मौसम था। उसी दौरान एक स्नेल उनके पास से गुजर रहा था। भगवान बुद्ध के ध्यान मग्न को देखकर स्नेल वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इतनी गर्मी में ये किस प्रकार साधना में लीन है, इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, ऐसे में इनको अधिक गर्मी लग रही होगी। यह बात सोचकर वह स्नेल गौतम बुद्ध के शरीर पर रेंगता हुआ उनके सिर पर जा पहुंचा। उसने सोचा अगर मैं उनके सिर पर रहूंगा तो उन्हें गर्मी का एहसास कम होगा। एक स्नेल को ऐसा करते हुए कई स्नेल उनके पीछे पीछे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। कुल मिलाकर 108 स्नेल ने बुद्ध के सिर को पूरी तरह से कवर कर लिया था। उन 108 स्नेल्स की स्मृति में ही भगवान बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर आज घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती है।